स्टडी अबाउट बेंड सॉ। आज हम लोग बेंड सॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। बेंड सॉ जैसे इसका नाम है, ये सॉ है। सॉ आपने जो आरी देखी थी, अभी तक हम लोगों ने आरी देखी थी रिप सॉ थी, जो स्टेट हम लोग ओरिएंटली चलाते थे। ये सर्कुलर सॉ है। बेंड सॉ सर्कुलर तो नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है इसका। ये बेंड है, ये बेल्ट की तरह इस पर चढ़ा हुआ है, तेजी से घूमेगा और लकड़ी को काटेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस पार्ट ऑफ, इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आप ये देखिए, थ्री फेज मोटर है, इस साइड में ये मोटर है और मोटर से ये इस साइड में आ जाए। सर आप इधर आ जाए, ये इसमें देखिए ये वी बेल्ट लगी हुई है। वी बेल्ट यूज करते हैं जो मोर पावर यू कैन ट्रांसमिट। इस साइड में क्रॉस सेक्शन देखें, इसको पास में आके देखें, क्रॉस सेक्शन ये, ये क्रॉस सेक्शन नहीं चीज है, ये देखें, ये वी बेल्ट बोलते हैं इसको। ये ग्रिप में नॉर्मल बेल्ट फ्लैट होती है, वो कम पावर ट्रांसमिट कर पाती है। जहाँ ज़्यादा लोड होता है हम वी बेल्ट यूज करते हैं। तो ये बिकॉज कॉन्टैक्ट एरिया इज मोर, ये जो बेल्ट का कॉन्टैक्ट एरिया है, आप देखिए यहाँ भी टच होगी, यहाँ भी टच होगी, यहाँ भी टच होगी, तो इतनी सी बेल्ट है लेकिन इतने बड़े एरिया में टच हो रही, सो मोर पावर यू कैन ट्रांसमिट। ओके, तो ड्राइव पुली हो गई, ड्रिवन पुली है, पावर यहाँ आ गई है, ये घूमेगी, उसको टच मत करो बेटा, कट सकते हो, ये घूमेगी, इससे दूसरी साइड में पुली है, ये घूमेगी, इसके ऊपर ये ये ब्लेड चढ़ा हुआ है, ये हाई कार्बन स्टील का ब्लेड है और इस पर दांते लगे हुए हैं। इसका डायरेक्शन ये इधर को घूमेगा, ये नीचे को जाएगा, टीथ आप देख सकते हो, बुलेट एंगल इसको बोलते हैं। कम इस साइड जिस एंगल बुलेट एंगल बोलते हैं, ये सर्टेन एंगल आप देख रहे हैं, ये बुलेट एंगल है। अलग अलग एंगल होते हैं, दैट ये डिसाइड होता है कितनी स्पीड पर आपको चला रही है मशीन को। ठीक है, ये ब्लेड में थोड़ा क्लियरेंस रहता है, थोड़ा इधर को मुड़ा हुआ, थोड़ा इधर को मुड़ा हुआ, इसलिए रहता है कि जब ये चलेगा तो थोड़ा स्पेस बना के चले, क्योंकि नहीं तो फ्रिक्शन की वजह से बंद जाम भी हो सकता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखते, क्योंकि जितना ज़्यादा चौड़ा कर देंगे तो ज़्यादा मटेरियल वेस्ट होगा। तो कम से कम क्लियरेंस रखते हैं, जिससे कि मटेरियल का वेस्टेज कम से कम हो और ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल हमें मिल सके। लेकिन ये जाम भी नहीं हो तो थोड़ा क्लियरेंस की जरूरत है, इसलिए हल्का सा एंगल रहता है। हालांकि रिप सॉ में ज़्यादा एंगल रहता है, क्योंकि वो आप मैनुअली पावर से चलाते हैं, हाथों में इतनी ताकत नहीं होती है। ये मोटर से चल रहे हैं तो मोटर में ज़्यादा ताकत है, क्लियरेंस कम भी रखेंगे तो अब ये मशीन चलती रहती है। प्लेटफॉर्म है, बॉडी है, एक ड्रिवन पुली है जिसके ऊपर लगी हुई है। बेटा इसको घुमा दो थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे ही घूमेगा। और ये जो बड़ी बड़ी लकड़ी है, बड़ी बड़ी लकड़ी है, उसको यहाँ लगाएंगे। बहुत सेफ्टी की जरूरत है, बिकॉज ये जरा सा भी चूक हो जाएगी तो कट सकते हैं। तो लकड़ी को धीरे से यहाँ लगाएंगे, घुमाए, हाँ शाबाश शाबाश, ये हाँ ये अभी पावर नहीं है, सप्लाई है नहीं, इसलिए पावर से नहीं घुमा रहे, लेकिन मैनुअली ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये कटता है, समझने के लिए काफी है। जब ये पावर से घूमेगा तो और तेजी से कटता, बिल्कुल आप आपके घर से कटता चला जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म है जो हार्डन स्टील का है, जिससे जल्दी डैमेज नहीं होता है, और इस पर एक एक करके आप लगाते जाते हैं। इसकी हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, सपोज ये बेल्ट अगर लूज हो रही है तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्क्रू देख रहे हैं आप, इधर से आए बेटा, यहाँ से आप, ये है, ये मूवेबल है, इसका सेंटर है, यहाँ से देखें ये सेंटर है, ये स्क्रू के थ्रू यहाँ स्पनर लगा के इसको घुमाएंगे तो इसकी हाई ये ऊपर को स्लाइड करेगा, पूरा ही व्हील ऊपर को स्लाइड करेगा, व्हील ऊपर स्लाइड करेगा मीन्स टाइट हो जाएगी बेल्ट। ठीक है, तो ये सर्टेन टाइटनेस लूज होगा तो ये चलेगा नहीं, ये फ्रिक्शन के ऊपर इस पर लाइनिंग रहती है। आप इसको देखें, पास से देखें, इसके पास में जाके देखें, ये बेल्ट स्लिप नहीं हो, इसके ऊपर लाइनिंग है, ये देखिए, हाँ ऐसे ही लाइनिंग नीचे वाले में भी रहती है जिससे स्लिप नहीं हो। इस पर वो बैरोजा नहीं लगाते, बेल्ट में लगाते हैं, बेल्ट में एक फ्रिक्शन के लिए बैरोजा लगाते हैं, वो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसलिए अगर होता मालूम पड़ता है तो आपको ब्लैक कर देंगे, और ज़्यादा चिपक जाएगी इससे, तो स्लिप नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेंड सॉ, हाई कार्बन स्टील की है, बहुत जल्दी डैमेज होती नहीं है, लेकिन जब भी इसके दांत खराब हो जाते हैं तो धार लगाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बेंड सॉ। तो क्या है जो चराई के तरीके हमने बताए हैं, रेडियली चराई रहती है, डायगोनली चराई रहती है,
डिपेंडिंग ऑन कि लकड़ी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, डिफेक्ट के अकॉर्डिंग कितना मैक्सिमम चौड़ा प्लैंक आप निकाल सकते हैं वो हमारा मोटिव रहता है, तो उसके आधार पर इसको जैसा भी काटना होता है जो इसको चला के हटा देते हैं आगे। ठीक है, बीच में स्टॉपर लगा सकते हैं, सपोज आपको सर्टेन मोटाई का ही तख्ता चाहिए तो इस आदमी स्टॉपर फिट किया जाता है, एक बार करेंगे उसको यहाँ टच करके करेंगे तो उतना ही मोटा हर बार निकलेगा, फिर नई सरफेस आ गई फिर इसको और इधर सरका दिए, लाइक दिस सेम थिकनेस का आपको मिल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेंड सॉ। इसके अगले उसमें आपको लकड़ी को प्लेन करने के लिए कौन सी मशीन से वो दिखाते हैं।